तो आइए देखते हैं एस्टिमेशन। हम एक्सरसाइज 1D को स्टार्ट करने से पहले एस्टिमेशन के बारे में अच्छे से समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एस्टिमेशन का जो बेसिक मतलब होता है अनुमान लगाना या गेस करना। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ जैसे लिखा है राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, इसके बारे में मैं अपने वे में समझाऊँगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर टू द नियरेस्ट 10th। जब भी आपसे क्वेश्चन में ये कहे कि आपको राउंडिंग करना है किसी नंबर का नियरेस्ट 10th प्लेस में, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि 10th बोले तो आपको 1's प्लेस की जो डिजिट है उस पे बेसिक फोकस करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया 53, इसके 1's प्लेस डिजिट में क्या है, 3। जो 3 है वो 5 से छोटा है, क्या है, 5 से छोटा है, तो इसलिए हम इस 3 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 0 से। यही कंडीशन अगर यहाँ पर 3 की जगह पर 5 होता, जैसे कि हम लिखते 55, या फिर अगर हम यहाँ पर लिखते 56, तो उस कंडीशन में हम इस वैल्यू को जो 10th प्लेस की डिजिट है उसे एक इंक्रीज करके लिख देते, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती, 60 आ जाती। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं उसी का दूसरा एग्जाम्पल। जैसे इसमें लिखा है 8364, इसके 1's प्लेस में डिजिट क्या है, 4 है, जो कि 5 से छोटी है, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 को हटा देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से, और हम वैल्यू लिख देंगे डायरेक्ट 8360। द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर इज दिस। ये हमारे एग्जांपल्स के क्वेश्चन है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपको एग्जांपल में मिलेंगे, जो आपको समझ में ना आए आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगली वैल्यू, राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10 के तीसरे एग्जांपल को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2045। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसकी 1's प्लेस की जो डिजिट है वो क्या है, 5 है, जो कि 5 के बराबर है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इसे 0 कर दिया गया और इसे इंक्रीज कर दिया गया, तो हमारा राउंडिंग नंबर क्या निकल के आएगा, द राउंडिंग रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर इज इक्वल टू है 2050। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको 0 कर दिया गया और इसकी पहले की एक डिजिट को बढ़ा दिया गया है, तो हमारी वैल्यू ये निकल के आई है। तो आइए अब देखते हैं राउंडेड नंबर टू द नियरेस्ट 100। जब भी आपको बोले कि कोई नंबर राउंडेड करिए नियरेस्ट 100 प्लेस में, तो आपको कौन से डिजिट ध्यान रखनी है, 10th प्लेस के डिजिट। जैसे कि इस एग्जांपल में दिया गया है 648, तो इसको बोला है राउंडेड टू द नियरेस्ट 100, तो इसकी 10th प्लेस डिजिट क्या है, 4। जो 4 है यहाँ पे, 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो इसलिए हम इसे किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से, और उसके बाद की जितनी वैल्यू होगी वो सारी 0 से आएंगी, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर इज 600। अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि 13768, अगर इसमें हमको बोला है कि नियरेस्ट 100 प्लेस में राउंड फिगर करना है, राउंडेड करना है, तो इसके हमको 10th प्लेस में को ध्यान में रखना है, तो 10th प्लेस यहाँ पे क्या है, 6, जो कि 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए जैसा मैंने पहले बताया कि इसकी पहले की एक डिजिट को बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 13800, बाकी जो लास्ट के डिजिट थे उसे 0 कर दिया, हैंस प्रूव। तो आइए अब देखते हैं राउंडेड अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000। जब आपको बोले कि राउंडेड करिए किसी नंबर को नियरेस्ट 1000 प्लेस में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1000 प्लेस जब बोलेगा तो आपको 100 प्लेस ध्यान में रख के चलना है। जैसे कि यहाँ पे 100 प्लेस इस नंबर में एग्जांपल में 5486 है, तो इसके 100 प्लेस में क्या है, 4 है, जो कि 5 से स्मॉलर है, तो सीधा सीधा आपको इसके बाद की जितनी भी डिजिट है और उसको 0 कर देना है, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, द रिक्वायर्ड राउंडेड नंबर इज 5000। इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल में हम चलते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है 14380, यहाँ पे भी जो इसका 100 प्लेस डिजिट है 3 है, जो कि 5 से छोटा है, तो इसको और इसके बाद की बाकी जो वैल्यू है उसे क्या कर देना, 0 कर देना, तो सीधे सीधे हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 14000। ये जो तीनों मैंने बताए हैं राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, 100, 1000, इन सारी की आपको प्रॉपरली वीडियो चेक करना है। जो ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हाँ एग्जाम्पल इसके ज़रूर लगाइएगा, बगैर एग्जाम्पल लगाए आपसे कोई भी क्वेश्चन आगे नहीं बनने वाले।
राउंडेड ए नंबर टू द नियरेस्ट थाउजेंड के तीसरे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिया गया है 23,659, तो इसके 100 प्लेस में जो डिजिट है वो क्या है, 6 है, जो कि 5 से बड़ी है, तो इसके पहले की एक डिजिट को हमको बढ़ा देना है और बाकी सारे डिजिट को ज़ीरो कर देना है, जैसे कि इस वजह से हमारा जो नंबर निकल के आएगा, द रिक्वायर्ड नंबर राउंडेड नंबर इज इक्वल टू है 24,000। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके पहले जो यहाँ पे 3 था उसे बढ़ा कर 4 कर दिया गया और बाकी सारे डिजिट को ज़ीरो कर दिया गया है, और इन तीनों के राउंडेड टू द नियरेस्ट 10, 100 और 1000 के सारे एग्जाम्पल आपको ज़रूर लगाने हैं, नहीं तो आगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आगे आने वाली ऐसी फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल मैथ क्लास 6 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ आवर चैनल मैथ क्लास 6। थैंक यू।